दोस्तों, लता मंगेशकर जी अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है और गूंजती रहेगी। लता जी न केवल एक अच्छी और प्रतिष्ठित गायिका थी, एक अच्छी इंसान भी थी। आज फेवो फैक्ट्स चैनल से आपको उनकी ऐसी 5 बातें जानने को मिलेंगी जिसे शायद ही आप जानते हो। और अगर आप और भी फेबुलस फैक्ट्स को जानने की इच्छा रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। लता मंगेशकर जी की शुरुआती जीवन उतनी अच्छी नहीं थी। लता जी ने अपना करियर एज अ सिंगर अपने पिताजी के डेथ के ठीक बाद 1942 ईस्वी में शुरू कर दिया था। एज अ प्लेबैक सिंगर अपने करियर की शुरुआत लता जी ने एक मराठी फिल्म में एक गाने के साथ किया, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इस गाने को हटा दिया गया। लेकिन बाद में लता जी मुंबई चली गई और वहीं से उनकी सुरीली आवाज से सभी लोग आकर्षित हुए और लता जी ने अपनी पहली हिट सॉन्ग आएगा आने वाला से सभी का दिल जीत लिया और तभी से बन गई सुरों की महारानी। दोस्तों, लता मंगेशकर जी ने अपने पूरे करियर में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और चूंकि ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए लता जी को द मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट के तौर पर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लता मंगेशकर जी ने शादी क्यों नहीं की, इसके पीछे क्या कारण था? दरअसल लता जी 5 भाइयों बहनों में सबसे बड़ी थी और सभी लोग जाने माने सिंगर हैं। लता जी ने इन सभी का बच्चे से ही पालन पोषण किया और सभी को अच्छी शिक्षा दिलवाई और सभी भाई बहन लता जी के कदमों पर चलकर ही इतना आगे बढ़ पाए, ताकि भाइयों और बहनों का अच्छे से पालन और पोषण हो सके, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की। ये फैक्ट बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जब लता मंगेशकर जी अपने हजारों गाने को रिकॉर्ड कर चुकी थी, तब उन्हें 1960 के दशक के दौरान उनके वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तब उस समय के प्रसिद्ध गायक आमिर खान की सलाह पर लता जी ने कुछ समय के लिए गाना गाने छोड़ दिया था। 27 जनवरी 1963 को जब लता मंगेशकर जी ने राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नेशनल स्टेडियम में मेरे वतन के लोगों गाना गाया, तो सभी के आंखों में आंसू आ गए। और इसी मोमेंट को ध्यान में रखते हुए लता जी को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार भी मिला।